मरहूम बेअंत सिंह के बुत खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखण से भड़के सांसद रवनीत बिट्टू। रात की चोर ही ने ना, चोर रात ही घटना च नेरे च करदे आ, आ खड़े आ सारे ते 31 नु भी इसे तरीके नाल हर जगह। खालिस्तान जिंदाबाद लिखण वालियां नु कहा गिद्दड़। अंदर दे विच बीएमसी चौंक च शहीद आजम सरदार बेअंत सिंह का बुत जिथे लग्या उत्थे कुछ गिद्दड़, जिहड़े गिद्दड़ ओह कुछ लिख के जाते हैं खालिस्तान जिंदाबाद बारे। तो ये कहा जा रहा भी 31 तरीक न शहीद आजम सरदार बेअंत सिंह की जिहड़ा बुत्ते जाऊगा जां उन्हां दी बरसी ते जाऊगा उन्हां नूं असीं उन्हां वांगू बंब ना अड़ावांगे। जिन्ना चिर बेअंत सिंह रहे उन्ना चिर अजिही सोच वालियां नूं दरड़ के रख्या। मैं एक सुनेहा थोड़े राही देना चाहुंदा ये बांदरां जिहड़े ये सिर्फ बाहर बैठ के उत्थे कुछ भी वीडियो सीडी बनाउंदे आ। ते मैं एक गल कहना चाहुंदा जिन्ना चिर सरदार बेअंत सिंह जी रहे ये जड़ी सोच आ उन्होंने कुचल के रखे, दब के रखे सोच, ये खालिस्तान की सोच ते उन्होंने चाहण वाले उन्होंने साथ देने वाले ने लतड़ के छड़िया। दादे दे बुत ते खालिस्तान जिंदाबाद लिखण ते गुस्से च आए रवनीत बिट्टू। जे शहीद आजम सरदार बेअंत सिंह ना होंदे, ना अपनी कुर्बानी देंदे ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ। ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਮਰਹੂਮ मुख्य मंत्री बेअंत सिंह के बुत्ते खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे गए, जिस तो बाद उन्होंने पोते जो लुधियाना तो सांसद ने रवनीत सिंह बिट्टू वो भड़क गए। तो उन्होंने गुस्से में आके कहा कि खालिस्तान जिंदाबाद लिखण वाले लोग कायर ने, गिद्दड़ ने, जो रात के हनेरे दे अजिहे काम करते हैं। उन्होंने गुरपतवंत सिंह पन्नू भी कहा कि जे हिम्मत है तो सामने आओ, असी खड़े हाँ। तो दस दिए कि रवनीत सिंह बिट्टू ने दस्या है कि एक वीडियो वायरल हुई है जिस दे विच कहा गया कि 31 अगस्त को मरहूम मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की बरसी से जो कोई जाएगा तो उन्होंने हशर भी उस तरह का कर दिया जाएगा, भाव के बंब नाल उड़ा दिता जाएगा। जिस तो बाद रवनीत सिंह बिट्टू सामने आए ने, उन्होंने कहा कि असी सामने खड़े हाँ, जे हिम्मत है तो आके दिखाओ। रवनीत सिंह बिट्टू इत्थे ही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि विदेशों में बैठ के जिहड़े धमकियां देंदे ने असी उन्हां तों डरन वाले नहीं हाँ। ते जेकर सरदार बेअंत सिंह ना होंदे, उन्होंने कहा, तां पंजाब दा हाल भी जम्मू कश्मीर वर्गा होना सी। उन्होंने कहा कि अज भी बेअंत सिंह दी सोच वाले करोड़ां लोग ने अते अपने आप नूं अते अपने साथियों नूं सूरमे दस्या, जदके खालिस्तान जिंदाबाद लिखण वालियां नूं उन्होंने ना मर्द तक कह दिता। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब दे नौजवानां नूं गुमराह ना किया जाए रेफरेंडम दे नां ते, खालिस्तान दे नां ते, क्योंकि जदों पुलिस उन्हां नूं चुक लैंदी है, पुलिस उन्हां नूं टॉर्चर करदी है, फिर उन्हां नूं कोई भी नहीं बचाउंदा। तां रवनीत सिंह बिट्टू ने बंदी सिंघां दी रिहाई दा मुद्दा चुकण वालियां ते भी सवाल उठाए ने। उन्होंने कहा कि बंदी सिंह उही ने जिहड़े पंजाब दे विच अमन शांति नूं भंग करदे सी, ते हुण बहुत सारे लीडर उन्हां ही बंदी सिंघां नूं रिहा करवाउण लई आख रहे ने, मंग कर रहे ने। तो दस दिए कि रवनीत सिंह बिट्टू दराहा पहुँचे सन, जिथे उन्होंने अपने दादा ते मरहूम मुख्यमंत्री बेअंत सिंह दे बुत नूं श्रद्धांजलि भेंट की। तो जलंधर दे विच जिहड़े खालिस्तान जिंदाबाद लिखिया गया बेअंत सिंह दे बुत ते उस ते सवाल चुके ने, भड़क गए ने रवनीत सिंह बिट्टू, गुस्सा उन्होंने जाहिर किया। होर की कुछ कहा रवनीत बिट्टू ने वह भी तुहानू सुना दिंदे आ। तुहानू पता शहीद आजम सरदार बेअंत सिंह जी 31 अगस्त नूं उन्होंने अपनी शहादत दित्ती सी पंजाब दे ते हिंदुस्तान दे। इस वेले असीं उन्हां दे जद्दी जिहड़ा उन्हां दा पिंड जद्दी शहर दुराहे च खड़े, ते साढ़े सब तो उन्हां दे नाल दे आ साथी उन्हां दे नाल दे जिन्हां ने अतवाद की लड़ाई लड़ी, ये सारे उन्हां दी पीढ़ी दे आ नाल लखा जी जिहड़े लखवीर लखा जी, ये साढ़े अगे असी जिहड़ी तीजी पीढ़ी समझो जनरेशन च उह चों ये उरे MLA रहे, इस वेले नुमाइंदे साढ़े पैड़ हलका जिहड़ा कांग्रेस पार्टी दे आ, यूथ कांग्रेस के पहला प्रधान, मतलब कहने का
ਇਹ ਉਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ, ਉਦਣ ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਮੰਗਦੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਉਦਣ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ BMC ਚੌਂਕ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁੱਤ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਗਿੱਦੜ ਜਿਹੜੇ ਗਿੱਦੜ ਉਹ ਕੁਛ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਤ 'ਤੇ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ 'ਤੇ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬੰਬ ਨਾ ਅੜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੀ ਚੋਰ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਚੋਰ ਰਾਤ ਦੀ ਘਟਨਾ 'ਚ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਹ ਖੜੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਅਤੇ 31 ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਾਂਦਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਵੀਡੀਓ CD ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਹੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਚਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਸੋਚ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਤੜ ਕੇ ਛੱਡਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਵੀ ਰੋਜ਼ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਿੱਦੜ ਕਦੇ EID ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਇਹ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਇਰਾਨਾ ਕੰਮ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ $200, $200 ਇਹ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਆ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ। ਐਵੇਂ ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਸਾਡੇ DGP ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ ਇਹ ਦੋ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾਂਚਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ? ਉਹ ਯਾਰ ਲੱਖਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ 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 ਇੰਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰਿਆਂ 'ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੂੰਛ ਵਾਲਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ, 2020 ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ੁਰੂ ਨੂੰ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ 2020। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 22 'ਚ ਆ ਗਏ, ਤੇਰਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੀ ਵੋਟ ਕੋਈ ਪਈ ਆ ਤੈਨੂੰ? ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕੋ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕੀ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਿੰਦੇ ਅਰਗੇ, ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਪੰਮੇ ਅਰਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆ, ਸਭ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁੱਤ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਮਰਦ ਆਦਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਰਦ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਆ ਖੜੇ ਆ ਸੂਰਮੇ ਸਾਡੇ 31 ਨੂੰ, ਜਿਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖ ਲਓਗੇ? ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਰਨਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਾ ਪਾੜਾ ਪਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਆ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲੋ, ਜੇ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਤੂੰ ਪੁੱਤ, ਆ ਹਿਊਮਨ ਬੰਬ ਬਣ ਕੇ ਆਪ, ਆ ਇੱਕ ਸੰਦਾਲੀ ਚੱਕ ਕੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ, ਉਹਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤਾਂ ਬੰਨੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕੀ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀ ਆ,
तेरे कला कला अंग अंग ना उरे तेरा खंडा दिए उत्थे बैठ के तू साढ़े नौजवानों नू पैसे दे के गमराह करता है उन्हें असले रोज चुकवाना है रोज इन्हों नशे पिथे तुसी चिट्टा दे के यह जे काम करवाने हो इस करके ये बंद कर दे पन्नू काम जे तेरे च माड़ी जी भी जमीर आ जे तू अपने आप नू कहना मैं बहुत वड्डा खालिस्तानी हाँ तो आके आप उरे यह जे काम कर नहीं ये कर इन्हां काम पैसे दे के मजबूरी लोगों का उठाने हो तो मुड़ के वह फड़े जाते हैं मुड़ के पुलिस चो इंटैरोगेशन होंगी आ मुड़ के पक्के वह कोई ना कोई किसी क्राइम च पै जाते ना पंजाबियों यह जहा गुमराह कर ना पंजाबियों इस राह तोर तू तो इस करके पंजाबी जिन्हें भी लोग ने मेरी हाथ जोड़ के थोड़ा बेनती है तुसी अपने देश नाल प्यार करते हो कित्थे भगत सिंह वर्गे राजगुरु सुखदेव वर्गे कित्थे लखा ऊधम सिंह वर्गे कित्थे कित्थे साढ़े अपने नाल ही अपने पिंड पैंदा साढ़े शहीद एक थोड़ी होया अज ईसड़ू साढ़े करनैल सिंह जी साढ़े नहीं अतवाद वेले भी अपने जिहड़े सरपंच साहब सी कलोटी वाले सुरजीत सिंह वह बजुर्ग सी वह कुरबानियां दे गए ये उन्होंने नाल दे साथी है तुसी की कर लोगे यार इत्थे इत्थे मैं समझदा तुसी परिवारां दे परिवार बैठे आ जिहड़े तुहाडे मूहरे आके खड़ जाणगे पर यह कम ना करो मैं बेनती फिर करदा सारी साडी नौजवानी नूं भी इन्हां दे मगर लग के आ हुण पुलिस वाले सी उत्थे आईईडी लाउण लगे सी हुण अज किन्ने उहदे मगर फड़े गए ऐं बंब ब्लास्ट कीता लुधियाणे उहदे मगर किन्ने लोग फड़े गए की उहनां दा बण रहा अज पन्नू उहनां नूं पुछ रहा आके अज उह गल रहे आ जेलां दे पिछे इह वी नहीं पता भी किहड़ी जेल च ने उह ते किन्ने साल उहनां ने जेलां च रहिणा फिर उदों बाद तुसीं की करदे हो जदों इहनां नूं फसा दिंदे हो फिर कहिंदे हो जी रिहाई बंदी सिखां दी रिहाई मेरे रब दे वास्ते जिहड़े आ लीडर पखौती ते जिहड़े अपने आप नूं पंथक बणे आ जिहड़े इहनां दी रिहाई मंगदे आ मैं रोज़ क्यों पिटदा मैं बार बार कहा भाई मैनू सानू पता है असी किन्ने का मैनू ये समझाओ भी जिहड़े इहनां नूं चुभदे आ पर क्यों चुभदे आ सानू आप दे कई बार दुख लगदा जदों अकाल तख्त साहिब दे जथेदार एस जी पी सी दे प्रधान जदों होर संस्थावां दे सानू ये कहिंदे आ भी बंदी सिखां नूं छड्डो साडे अगेंस्ट बोलदे असी भी तां इन्हां नूं सहने आ क्यों सहने आ ओए सानू भी साढ़े भी परिवार ने साढ़े भी लोग ने असी क्यों सहने आ गल्लां भी ना ये कितने कश्मीर ना बन जाए सानू इन्नियां सिक्योरिटियां च रहना पैंदा क्यों सिर्फ पंजाब नूं बई कोई तत्ती वाह ना लग जाए नहीं असी की लैणा असी कह दिंदे राजे वाले नूं छड्ड दो हवारे नूं साडा जोर लगदा कहण नूं पर क्यों नहीं कहिंदे भी आही काम इन्हां ने आके करने आ रोज़ इन्हां ने आईईडी लाउणी आ रोज़ इन्हां ने बंब उड़ाउणे आ रोज़ स्कूलों के बच्चे किडनैप करने आ फिर कौन जिम्मेदार ठहराऊगा अज जिहड़े इन्हां नूं छुड़ाउण नूं फिरदे आ एक दिन भी उन्होंने सुरंगा बना के जदों भज्जे ने उन्होंने कदे माफ़ी नहीं मंगी कदे उन्होंने ये नहीं कहा भी असीं कानून नूं मनदे आ पन्नू हुणा ने भाई इस करके ना इह जे बंदी सिखां दी गल करिया करो जिहड़े आ हमेशा करन नूं तिआर बर तिआर बैठे आ तुसीं कहिंदे गुरद्वारा साहिब जाके अरदास करो दिलावर की गल करो करते रहो सोच अलग लोग ने पर पंजाब वाले सावधान रहो ये गल्लां तो ये कत्ती की गल करते उदू पहला यह जे लोगों नू गमराह करके मुड़ के वह लोग जेलां च रहिंदे आ सड़दे आ कोई पुछण वाला नहीं कोई वकील नहीं दिंदा उस गल्लां तो बचो मेरी तो यही अपील आ पन्नू वर्गे शरारती बंदियां तो जिहड़े ना मर्द ने जिहड़े उत्थे बह के गल्लां करदे ने उहनां दे पिछे ना लग्गिओ बाकी गल ਲੱਖਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਬੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਆ इस करके मत समझो इस गल दे पिछे असी 100% अपनी सरकार भगवंत मान हो साडे डीजी हुण कोई हुण असी सारे एक इस तिरंगे दी शान च ये सरदार बेअंत सिंह ने कुरबानियां अपने परिवारां लई अपने घर लई नहीं दित्तियां आए कुरबानियां पंजाब देश लई दित्तियां है ते उस नूं असी इकट्ठे होके लड़ांगे बिल्कुल कोई डर नहीं पन्नू वर्गियां दे तां मैं समझदा जे बूरे आए इहदा पछाण ना सके कोई इहदा हाल करिए जे उत्थे बैठ के बोलदा इह आवे तां सही उरे पर जे नहीं आऊ उत्थों चक लियावांगे पन्नू ये भी याद रखी जिहड़ी 31 नूं बस्ती करी जाणी आ जी उहदे बारे जिवें कि धमकियां दे रहा तां उहदे नूं की सुनेहा देना चाहुंदे तुसीं पन्नू वर्गे जिहड़े इहो जिहे हालात बना रहे
मैं समझदा ये तो इस ये दलाल लोग ने मैं इदू शब्द जो कोई मैनू मैं थोड़े मूहे सभ्य वरत नहीं सकता ये बारे जह जे ये गंदे बंदे ने एदियां ने मुछां पट के ना जिहड़ियां मुछां अपनियां उत्थे बैठा इत्थे हुंदा इहदा कल्ला कल्ला बाल ना छड्ड दे लोक जिहड़े क्यों हैं जी हाँ उह तां है ही नहीं खैर पर इहो जिहे बंदे इन्हां नूं मेरे मेरी तां चिंता सिर्फ ये आ मैनू इहदी नहीं मैनू ये चिंता है भी इहदे मगर लग के जिहड़े कुछ लोग जिवें रात कर गए हुण पुलिस ने उन्हां नूं चकना ही चकना पुलिस चकूगी इंटैरोगेशनां होणगियां मुड़ के कौन उन्होंने वकील बनू कौन उन्होंने जेलों छुड़ाऊ जिमें अज फिर आ ठेकेदार जो बड़े बंदी सिखा छुड़ा यही लोग फिर उन्होंने छुड़ा तुरन गए मूसेवाल वर्गे मारे जाएंगे उन्होंने माँ प्यो उन्होंने पग ला के इंसाफ मंग रहे फिर ये गलों तो असं डरते हैं इन्हों के मगर मत लगो कत्ती तो बरसी उन्होंने मनाई हो जानी है तो घर घर मन हरेक ने जो अमन पसंद आ उन्होंने दिल च पता है दिल च पता है भी अमन शांति किने दिती है इस करके एम ही नहीं ये बुत जड़े ने इन्होंने तो भाई बोलना नहीं जिन्ना चर जिन्ना चर वो सी मुख्यमंत्री इन्हों जुत्ती थले मिध के रखे उन्होंने ये चू नहीं कर सकते इन्हों की जी विचारधारा है इन्हों की विचारधारा ना उठन दिता उन्होंने हुण उन्होंने जाने तो बाद जो मर्जी ललकारे मारी जान फोके बाहर बैठ के जे इत्थे आना अज भी आके मुकाबला करके देख लैन जमा अमन शांति रखांगे चाहे सानू अगे किसी हद तक सारियां नूं जाना पवे पर इन्हां दे कदे भी मनसूबे कामयाब नहीं होण दिंदे असीं अपने देश लई खड़े हाँ अपने सूबे लई।